एक मिनिट एक मिनिट माने पहिला ते त्यांनी आंदोलन केलेले हेलो हेलो साथियों, सभी लोगों को अनुरोध है, सभी लोगों का नाम रजिस्टर कर दिया गया है। हम सारे के सारे लोग कानून के अनुसार अरेस्ट कर लिए गए हैं। तो सारे महाराष्ट्र में अरेस्ट करने की प्रक्रिया जारी है और अरेस्ट करने के बाद में मैंने पुलिस विभाग के लोगों को कहा, तो पुलिस विभाग के लोगों को हमने ये रिक्वेस्ट किया कि अब हम लोग अरेस्टेड हैं तो हमें जेल में लेकर जाओ। तो उन्होंने हमको जेल में लेकर जाने के लिए इनकार कर दिया और उनका कहना है कि आप लोगों को अभी अरेस्ट कर लिया है और आप अभी फ्री हो। इससे सुन लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि फडणवीस की जो सरकार है वो हिजड़ों की सरकार है। फडणवीस की जो सरकार है वो हिजड़ों की सरकार है और मैं हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उस संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने का जो हमारा कार्य है, मौलिक अधिकार की रक्षा करने का कार्य है, ये बात जो मैं कहता था ये बात दोबारा प्रूव हो गई है। क्योंकि पुलिस लोगों ने अरेस्ट किया, अगर वो हमें लेकर जाते जेल में तो जेल में डालने का अधिकार पुलिस वालों के पास नहीं, पुलिस वालों के पास अरेस्ट करने का और कस्टडी में लेने का अधिकार, और 24 घंटे के अंदर अंदर उनको मैजिस्ट्रेट के सामने हमको रखना होगा, जो कानून है, जो संविधान कहता है, राइट टू लीव फंडामेंटल राइट है। इसलिए पुलिस वालों को 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी में रखने का अधिकार नहीं है और 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना पड़ता है। मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करने के बाद मैजिस्ट्रेट पूछेगा पुलिस वालों को, इनको क्यों लाया, तो पुलिस वाले उनको कहते कि हमने इनको परमिशन नहीं दिया था ये प्रचार करने की और इसकी, तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया इसलिए इनको हमने लाया। फिर मैजिस्ट्रेट हमको पूछता तो हम मैजिस्ट्रेट को कहते कि पुलिस के पास में हमारे मौलिक अधिकार के विरोध में रद्द करना मौलिक अधिकार का, और हमें इस तरह का शांतिपूर्ण तरीके से हमारे पास कोई हथियार तो है नहीं, हमने कानून का उल्लंघन नहीं किया, हमने शांतिपूर्ण तरीके से 3 बजे से लेकर हम लोग यहां बैठे हैं, दूसरे लोग होते तो हिंसा करते, हमने किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं की और ये प्रमाणित कर दिया कि हम लोग कानून और संविधान मानने वाले लोग, कानून और संविधान का उल्लंघन जिन्होंने हम लोगों को परमिशन डिनाय किया हमारा मौलिक अधिकार होने के बावजूद भी, तो उन्होंने किया, वो इसलिए हम लोगों को जेल में नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि वो वहां मैजिस्ट्रेट के सामने जवाब नहीं दे पाएंगे। चलो कोई बात नहीं है, वो हम लोगों को कोर्ट में या जेल में लेके नहीं जा रहे हैं, मगर पुलिस वालों के विरोध में कल हमारी हाईकोर्ट में केस चली जाए, पुलिस वालों के विरोध में, फडणवीस सरकार के विरोध में जिन लोगों ने ये डिनाई किया है उन लोगों के विरोध में हाईकोर्ट में केस चली जाए, हाईकोर्ट में उनको प्रूव करना होगा कि हमने क्या अपराध किया, हाईकोर्ट में उनको प्रूव करना पड़ेगा हमने तो कोई अपराध नहीं किया, हम अपराध करने वाले लोग नहीं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने संविधान का उल्लंघन किया, मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया, ये केस कल हाईकोर्ट में चली जाएगी। इस ये हाईकोर्ट में जाने के लिए कम से कम 3-4 हाईकोर्ट के जज
और सुप्रीम कोर्ट का भी एक जज जो है उसका सब तैयारी कर रहे हैं। तीन चार हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के एक जज और सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाईकोर्ट के वकील सारे इस काम में लगे हुए। तो कल कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में ये बातें जो अभी वो नहीं लेके जा रहे, वो नहीं लेके जा रहे तो हम ही जाएंगे। जिसके दामन पर दाग होगा वो उसके डर होगा, जिसके दामन पर दाग होगा उसे डर होगा, हमें तो कोई डर नहीं। तो हम लोग जो है कोर्ट में जाएंगे और हमारी परिवर्तन यात्रा जो है वो जारी रहेगी। परिवर्तन यात्रा को उन्होंने रोकने का कोशिश किया, वो हमने विफल कर दिया। और फडणवीस की जो सरकार है, ये सरकार दोबारा कहता हूँ हिजड़ों की सरकार है, ये प्रमाणित है। और इसलिए हिजड़ों को मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं, तो इसलिए उसको इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा करके उसने राज्य की प्रतिष्ठा को, राज्य की जो प्रतिष्ठा है सही तरीके से प्रदेश को चलाने की, संविधान के दायरे में रहकर प्रदेश को चलाने की शपथ लिया था संविधान के दायरे में, वो तो फेल हो गया। संविधान की प्रतिष्ठा उन्होंने बना के नहीं रखी। इसलिए हम लोग, इसलिए मैं कह रहा हूं कि फडणवीस जो है वो हिजड़ों की सरकार चला रहे हैं और वो हिजड़ों का सरदार है, कोई मुखिया मुख्यमंत्री है ना, वो केवल हिजड़ा नहीं है बल्कि हिजड़ों का सरदार है। तो इसलिए हिजड़ों को और हिजड़ों के सरदार को सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। तो मैं उनको इस्तीफे की मांग कर रहा हूं कि उन्होंने संविधान की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया और हम लोग बाबा के बच्चे जो है वो तो संविधान को और उसकी प्रतिष्ठा को बिल्कुल भी हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। इसलिए मैं तमाम मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को ये अनुरोध करता हूँ कि जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन हमने किया, हमको शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन जारी रखना चाहिए। फडणवीस की प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को ये जेल भरो आंदोलन करने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि 3 तारीख तक ये परिवर्तन यात्रा चलाकर जितनी हम सफलता हासिल कर सकते थे तो बगैर चलाए ही ज्यादा सफलता हासिल मिला, इतनी ज्यादा सफलता। तो इसलिए मैं पुलिस प्रशासन में काम करने वाले जो अधिकारी है उन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अच्छा काम किया, आप लोगों को अवसर दिया और उन्होंने हमारी टेस्ट लेने की कोशिश की। 52 मैच रहा, 41 साल तक मैं इस टेस्ट में हर बार अपने आप को साबित किया, मेरी टेस्ट करने की कोशिश की, टेस्ट लेने की कोशिश की। तो मैं तो 41 साल तक हर टेस्ट में पास हुआ, ये मेरे लिए कोई बड़ा टेस्ट नहीं था। तो बहुत बड़े जेल भरो की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 6 लाख गाँव के लोग जाएंगे, तो कम से कम ये थोड़ी हमारा अनुभव अभी और ज्यादा मजबूत हो गया है और आंदोलन को किस तरीके से चलाना चाहिए। पुलिस को दोबारा धन्यवाद देता हूँ कि वो अनुभव हासिल करने के लिए, क्योंकि मैं कहता था कि ये परिवर्तन यात्रा 42 दिन की अनुभव हासिल करने के लिए, जो 6 महीने की परिवर्तन यात्रा हम निकालने वाले हैं उसके लिए हमको अनुभव चाहिए, ये अनुभव नहीं था, ये अनुभव भी हमारे पास आ गया है। अब और इस अनुभव को किस तरह से पार पाना चाहिए भविष्य में, ये भी अनुभव हो गया है और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों ने जिस मुस्तैदी के साथ साथ दिया, आप लोगों ने जिस तरीके से साथ दिया, इसी वजह एक आदमी को भी इतना बड़ा काम करने के बाद खरोंच भी नहीं आई। आंदोलन करने का भी तरीका होना चाहिए, खरोंच भी नहीं आई और सारे महाराष्ट्र में
सारी जगह जेल भरो चल रहा है। आप अभी हमारे पास खबरें आ रही है, क्या खबर आ रही है? पुलिस वाले कहते नहीं नहीं हम आपको अरेस्ट नहीं करते, केवल बॉम्बे की पुलिस नहीं अरेस्ट करते, उसके कागज भी लिखेंगे। तो ये केवल बॉम्बे के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, किजड़ों की सरकार, ये सारे महाराष्ट्र की खबर आ रही मेरे पास, सारे लोग हम लोगों को टेलीफोन कर रहे हैं। और अभी दिल्ली से खबर आई है कि हमें कब आदेश दे रहे हैं मिश्रा, सारे देश भर में लोग तैयार है, क्योंकि सोशल मीडिया आप देख लो तो आपको पता चलेगा। अब जब महाराष्ट्र के लोगों ने तोप चलाई है तो एटम बम चलाने की क्या जरूरत, महाराष्ट्र के लोगों ने तोप चलाई और तोप से ही काम हो गया तो एटम बम चलाने की कोई जरूरत नहीं है। जब राइफल से काम हो तो AK-47 की जरूरत नहीं है, जो काम AK-47 में हो जाए तो फिर तोप की जरूरत है, अगर तोप से हो जाए तो एटम बम की जरूरत है। तो इस तरह से हमको छोटे छोटे तरीके से ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इस बात के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक नया प्रयोग है। आप लोगों ने दलित पैंथर का भी प्रयोग देखा है, दो चार पांच तो मर जाते, इतने में 2-4-5 मर जाते। हमने आंदोलन की सफलता भी हासिल की और हमारे लोगों को खरोच भी। ये बाबा साहब अम्बेडकर का तरीका बोलते हैं संवैधानिक तरीका, ये शब्द है ना संवैधानिक, ये है संवैधानिक तरीका आंदोलन करने का, इस तरीके से हम लोगों को आंदोलन करना है। अभी मैं आगे आप लोगों को एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग जिस किसी इलाके से आए हुए हैं वो लोग अपने अपने साधन से अपने अपने इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से चले जाएं। हमारी परिवर्तन यात्रा आगे जारी रहेगी। पुलिस को धन्यवाद। हरेश कर